हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर में हम आइसक्रीम पार्ट 2 को स्टडी करेंगे। पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ाया था आइसक्रीम की डेफिनेशन एंड हिस्ट्री। उसके बाद हमने कवर किया था क्लासिफिकेशन ऑफ आइसक्रीम, कंपोजिशन ऑफ आइसक्रीम, फूड एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ आइसक्रीम, रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन आइसक्रीम। ठीक है, तो आज सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, हार्डनिंग एंड स्टोरेज ऑफ आइसक्रीम। इसको आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहले अभी हम देख लेते हैं फ्लो चार्ट, जो फ्लो डायग्राम इन्होंने मेथड की बताई है उसको, उसके बाद हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज़ द सिलेक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स। जो इंग्रेडिएंट्स आइसक्रीम के में हमने यूज़ करने हैं उनको सिलेक्ट करना है, देन फिगरिंग दी मिक्स एंड देन मिक्सिंग करनी है उन सारे इंग्रेडिएंट्स की। मिक्सिंग करने के बाद जो मिक्सचर है उसको पैस्चराइज करना है 68 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए, एंड उसके बाद हमें उसको होमोजनाइज करना है। मिक्स को सेकंड स्टेज डबल स्टेज होमोजनाइजेशन करनी है। नेक्स्ट कूलिंग करनी है मिक्स की एंड एजिंग करनी है मिक्स की ज़ीरो से 4 डिग्री सेल्सियस पे, 0 से -4 डिग्री सेल्सियस पे। देन फ्रीजिंग करनी है मिक्स की। उसके बाद पैकेजिंग ऑफ आइसक्रीम एंड हार्डनिंग एंड स्टोरेज ऑफ आइसक्रीम। तो फर्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स। सिलेक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, जो आइसक्रीम इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि अवेलेबिलिटी कितनी है मिल्क प्रोडक्ट की, पेरिशेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कन्वीनियंस इन हैंडलिंग एंड इफेक्ट ऑफ फ्लेवर, बॉडी एंड टेक्सचर ऑफ आइसक्रीम, कॉस्ट और इक्विपमेंट की वैल्यू। इन सब पे जो सिलेक्शन है आइसक्रीम के इंग्रेडिएंट्स की डिपेंड करती है। जो आइसक्रीम इंग्रेडिएंट्स हैं उनको ग्रुप किया गया है डेयरी एंड नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स में। कुछ डेयरी प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि मेजर सप्लाई करते हैं फैट की, एंड अदर कुछ डेयरी प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि मिल्क सॉलिड नॉट फैट की सप्लाई करते हैं, एंड कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि फैट एंड मिल्क सॉलिड नॉट फैट दोनों की सप्लाई करते हैं। जो नॉन डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनमें स्वीटनिंग एजेंट्स आ जाते हैं, स्टेबलाइज़र, इमल्सिफायर, फ्लेवर, कलर्स एंड फ्रूट्स एंड नट्स आ जाते हैं। तो अब हमने पढ़ा जो डेयरी इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें एक तो मिल्क सॉलिड नॉट फैट को सप्लाई करेंगे, एक फैट को, एक दोनों कंपोनेंट्स को ही हमें प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, नॉन डेयरी प्रोडक्ट, उनमें स्वीटनिंग एजेंट, स्टेबलाइज़र, इमल्सिफायर, फ्लेवर्स, ये सारे आते हैं। इनको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आगे डेयरी प्रोडक्ट जो कि सोर्स देते हैं फैट का। सोर्स ऑफ फैट हमें डेयरी प्रोडक्ट कौन कौन से मिलता है? स्वीट क्रीम से, जो कि डिज़ायर्ड कंसनट्रेशन ऑफ फैट देता है हमें, मिक्स में हम इसे यूज़ करते हैं। दूसरा है फ्रोज़न क्रीम, तीसरा प्लास्टिक क्रीम एंड अनसॉल्टेड बटर और बटर ऑयल। इनसे हमें फैट मिलती है। अब हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ मिल्क सॉलिड नॉट फैट। जिनसे हमें मिल्क सॉलिड नॉट फैट मिलती है वो है स्किम मिल्क पाउडर, जो कि फ्रिक्वेंटली स्प्रे ड्राइड या फिर फ्लैक्ड फॉर्म में होता है, कंडेंस्ड स्किम मिल्क एंड स्वीट क्रीम बटर मिल्क। अब हम पढ़ेंगे वो प्रोडक्ट जो कि हमें फ़ैट एंड मिल्क सॉलिड नॉट फैट दोनों देते हैं, दोनों को कम्बिनेशन हमें मिलता है। वो है होल मिल्क पाउडर, कंडेंस्ड होल मिल्क एंड इवेपोरेटेड मिल्क। अब हम पढ़ेंगे नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट आते हैं स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट में केन, बीट शुगर एंड बीट शुगर है वो ज़्यादा कॉमन है। कॉर्न शुगर होगी, कॉर्न सिर्फ सॉलिड्स होगे एंड कॉर्न सिर्फ होगी, ठीक है, एंड सैक्रिन होगी। सेकेंड इज़ अ स्टेबलाइज़र। स्टेबलाइज़र में जेलेटिन यूज़ करते हैं जो कि एनिमल सोर्स से आती है। ये एक ऑर्थोडॉक्स वेजिटेरियन ऑब्जेक्ट है जो कि हम आइसक्रीम में यूज़ करते हैं। सोडियम आल्जिनेट को भी हम यूज़ करते हैं एज अ स्टेबलाइज़र, जो कि जिसका वेजिटेबल ओरिजिन है, इसको वाइडली यूज़ किया जाता है। ग्वार गम को भी यूज़ करते हैं जो कि इंडियन ओरिजिन है, एंड और भी काफ़ी सारे स्टेबलाइज़र यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ द इमल्सिफायर। इमल्सिफायर में मोनो और डाइग्लिसराइड और फैट फॉर्मिंग फैटी एसिड्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ द फ्लेवर्स। फ्लेवर्स में वेनिला, जो कि मोस्ट पॉपुलर फ्लेवर है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। सेकेंड इज़ द चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, लेमन, बनाना, मैंगो एंड ऑरेंज। नेक्स्ट इज़ द कलर्स। कलर्स में येलो, ग्रीन एंड पिंक कलर्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज है एग सॉलिड। जो एग सॉलिड होता है, एग यॉक सॉलिड, वो व्हिपिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट इज द फ्रूट्स एंड नट्स। हम कौन कौन से यूज़ करते हैं? एप्पल, बनाना, मैंगो, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, आलमंड, कैशू नट एंड वॉलनट एंड ग्राउंड नट्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में। ये बेसिक रॉ मटेरियल होता है, बेसिक मटेरियल होता है जो कि क्रीम की प्रेपरेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, मिक्स की प्रेपरेशन करने के लिए। तो इसमें फर्स्ट आता है जी स्वीटनिंग एजेंट्स। स्वीटनिंग एजेंट्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, उन सारे एजेंट्स को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। स्वीटनिंग एजेंट, मैनी काइंड्स ऑफ स्वीटनर है जो आइसक्रीम में यूज़ किए जाते हैं, जिसमें आते हैं केन और बीट शुगर, कॉर्न स्वीटनर्स, ब्राउन शुगर, हनी, इन्वर्ट शुगर, शुगर सब्सटीट्यूट्स। केन और बीट शुगर मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। एंड 1/4 to 1/3 ऑफ केन शुगर और बीट शुगर को रिप्लेस किया जाता है बाय कॉर्न शुगर गुड रिजल्ट्स के साथ। द यूज़ ऑफ कम्बिनेशन और ब्लेंड ऑफ शुगर इज़ आइदर लिक्विड या फिर ड्राई फॉर्म। जो हम ब्लेंड करके या फिर शुगर्स को ड्राई या फिर लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। शुगर ब्लेंड में 70% सुक्रोज होता है एंड 30% कॉर्न स्वीटनर्स होते हैं। जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ शुगर्स है, जो वो डिफरेंट काइंड ऑफ स्वीटनिंग इफ़ेक्ट नहीं प्रोड्यूस करते, वो इक्वल स्वीटनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वीटनिंग एजेंट में फर्स्ट है जी सुक्रोज। सुक्रोज को कॉमनली ग्रैनुलेटेड केन भी बोला जाता है और बीट शुगर भी बोला जाता है। इसको वर्ल्ड वाइड में यूज़ किया जाता है एंड ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है जो आइसक्रीम का, ये उसको डिप्रेस कर देती है। सेकंड इज़ अ कॉर्न स्वीटनर। कॉर्न स्वीटनर को रिफाइंड शुगर भी बोलते हैं, रिफाइंड शुगर। ये एक ड्राई क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट होता है। ड्राइड कॉर्न सिर्प और कॉर्न ग्रुप सॉलिड्स और कॉर्न सिर्प, जो कॉर्न सिर्प होता है वो लिक्विड होता है। नेक्स्ट इज रिफाइंड कॉर्न शुगर। रिफाइंड कॉर्न शुगर में डेक्सट्रोज होता है 80% तक एंड ये स्वीट होता है। जितनी ज़्यादा सुक्रोज स्वीट होती है उतना ज़्यादा ही स्वीट होता है। ये भी क्या करता है, लो कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट को देन सुक्रोज से। एंड कैन देयरफॉर बी यूज्ड टू अबाउट 2.5% 25% ऑफ टोटल डिज़ायर्ड शुगर। नेक्स्ट इज अ डिज़ायर्ड कॉर्न सिर्प सॉलिड्स। इसमें डेक्सट्रोज एंड माल्टोज टुगेदर दोनों होते हैं, मिलके बनाते हैं वो डेक्सट्रोज। हम इसे यूजली ज़्यादा एक्सटेंट में ऐड नहीं करते, हम इसको टोटल स्वीटनर का 1/3 ही ऐड करते हैं। नेक्स्ट इज़ अ कॉर्न सिरप। कॉर्न सिरप में डेक्सट्रोज एंड माल्टोज की दोनों की वेरिएबल अमाउंट आती है। नेक्स्ट इज़ ए इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर डिफरेंट पार्ट होता है, मिक्सचर होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का। जनरली हमें ये फॉर्म ऑफ सिरप में मिलता है। सुक्रोज से ये ज़्यादा स्वीटर होता है एंड फ्रीजिंग पॉइंट को ये डिप्रेस कर देता है, जिसके लिए हम इसको जो यूज़ करते हैं नॉट मोर देन 1/4 to 1/3 ऑफ द टोटल शुगर इन द मिक्स। नेक्स्ट इज़ अ सैक्रिन। ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिसका स्वीटनिंग इफ़ेक्ट 550 टाइम ज़्यादा होता है सुक्रोज से। इसे हम डायबिटिक आइसक्रीम में भी यूज़ करते हैं सैक्रिन को। इसकी एक प्रॉब्लम होती है कि ये ऑफ लो टोटल सॉलिड एंड लो ओवररन। ठीक है, स्वीटनिंग एजेंट्स के बाद आते हैं स्टेबलाइज़र्स। स्टेबलाइज़र्स ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि इमल्शंस को प्रिजर्व करके रखते हैं। इनको हम स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं एंड ये परफॉर्म करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो स्टेबलाइज़र्स होते हैं आइसक्रीम में वो प्रोड्यूस करते हैं स्मूथनेस इन बॉडी एंड टेक्सचर एंड रिटार्ड कर देते हैं और रिड्यूस कर देते हैं जो आइस क्रिस्टल की ग्रोथ होती है ड्यूरिंग स्टोरेज। एंड ये प्रोडक्ट में यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करते हैं, रेजिस्टेंट टू मेल्टिंग एंड स्टेबलाइज़र फंक्शन थ्रू देयर एबिलिटी टू फॉर्म जेल स्ट्रक्चर। ये जो स्टेबलाइज़र होते हैं वो जेल स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं वाटर में एंड कंबाइन कर लेते हैं वाटर को एज वाटर ऑफ हाइड्रेशन। अमंग द स्टेबलाइज़र विच आर परमिटेड आर यूज्ड इन मेकिंग आइसक्रीम। कौन कौन से स्टेबलाइज़र जो है आइसक्रीम में यूज़ किए जाते हैं? जेलेटिन, सोडियम आल्जिनेट, कैरेजनिन, अगार अगार, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, पैक्टिन, गुआर गम एंड अदर गम्स। ठीक है, तो अब हम स्टेबलाइज़र जो हम आपको एग्जांपल बताई है उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ जेलेटिन। जेलेटिन एनिमल ओरिजिन से है, ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट, ये एक फ़र्स्ट कमर्शियल स्टेबलाइज़र है जिसको अभी भी यूज़ किया जाता है। इसका एडवांटेज क्या है कि ये, इसकी एबिलिटी होती है कि ये जेल फॉर्म कर लेता है एजिंग के पीरियड के दौरान, एंड एज वेल एज जब फ्रीजिंग प्रोसेस होता है तब भी ये जेल फॉर्म कर लेता है। Even after the frozen product are placed in a hardening room, it is a peculiar gel structure and its affinity for water prevent the formation of large ice crystals in the ice cream and contribute to the smoothness in texture and firmness in body of the frozen product. जो अमाउंट है जेलेटिन की वो डिपेंड करता है कि कुछ सेवरल फैक्टर्स पे, जैसे कि एनिमल क्या, सोर्स क्या है जेलेटिन का, वेदर वो काफ से लिया है या फिर पोक स्किन से लिया है या फिर बोन मटेरियल से लिया है। उसकी जो जेल स्ट्रेंथ है वो हम ब्लूम टेस्ट से मेज़र करते हैं। ब्लूम टेस्ट जेल स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड उसकी जो विस्कोसिटी वैल्यू है उसको भी मेज़र किया जाता है। जो कंपोजिशन होती है मिक्स की, इन जनरल जो अमाउंट है इसकी हम अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट रिक्वायर्ड to produce a meltdown of about the same consistency as aged 40% sweet cream. जो amount है gelatin की वो 0.25 से लेके 0.5% है जो 250 bloom gelatin के लिए यूज़ की जाती है। जो ice cream mix है वो stabilized हो जाता है gelatin के साथ usually 4 hours में of aging to develop complete stabilizing properties while other stabilizing material do not require an aging period. नेक्स्ट इज़ अ सोडियम एल्जिनेट। सोडियम एल्जिनेट एक वेजिटेबल ओरिजिन है एंड इसको सोल्ड किया जाता है। इसका एक और नेम है, ट्रेड नेम है डेरिलोइड, ठीक है। इसकी जो बेसिक स्टेबलाइजिंग प्रिंसिपल क्या है, ये एल्जिन है। एल्जिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं हम जेंट ओशन कैल्प से, जो कि एक सीवीड है जो कि जापान या फिर कैलिफोर्निया में ग्रो करता है। इसका जो प्रोडक्ट है वो इम्प्रूव करता है विपिंग क्वालिटी को एंड स्लाइटली क्लीनर फ्लेवर माउथ में छोड़ देता है, एंड ये डिज़ोल्व हो जाता है व्हेन, जब हम इसको मिक्स में प्रॉपरली ऐड करते हैं 68 से लेकर 71 डिग्री सेल्सियस पे। एंड इसकी जो स्लाइटली स्मॉलर अमाउंट चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू जेलेटिन स्टेबलाइज करने के लिए मिक्स को। नेक्स्ट इज़ अ कैरेजिनिन। कैरेजिनिन को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कैरेजिन से, जो कि एक सीवेड है एंड ये कोस्ट ऑफ आयरलैंड में ग्रो करता है। इसको यूज़ किया जाता है गम स्टेबलाइज़र के साथ। नेक्स्ट है जी अगार अगार। जो अगार अगार है वो रेड एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड ये पैसिफिक कोस्ट में ग्रो करता है। ये शरबत एंड आइसिस को स्टेबलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ अ CMC कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। इसका जो मेल्टिंग हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है एंड ये ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है मिक्स में, एंड ये एक्ट करता है एज अ इमल्सीफायर, एंड इसको हम जेलेटिन से कम मात्रा में यूज़ करते हैं। इसका ये कोई भी फिल्म जेल है जो प्रोड्यूस नहीं करता, जैसे जेलेटिन फॉर्म करता है। एंड सम ऑफ द वेजिटेबल स्टेबलाइजर्स बट सीम्स टू बी गुड यूज इन आइसक्रीम। नेक्स्ट इज़ अ पैक्टिन। पैक्टिन एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि मेनली हम सिट्रस फ्रूट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये एक ज़्यादा अच्छा स्टेबलाइज़र नहीं है आइसक्रीम में, इसको हम शरबत एंड आइसिस में यूज़ करते हैं, वहाँ पे ही ये सूटेबल है। नेक्स्ट इज़ अ ग्वारगम। ग्वारगम भी एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि इंडियन लेग्यूम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एंड इसको हम कैरेजिनिन के साथ कंबाइन करके यूज़ करते हैं। ये रेडली सॉलेबल होता है कोल्ड सॉल्यूशन में जब, एंड यूज्ड एज स्टेबलाइज़र फॉर मिक्सेस टू बी पाश्चराइज्ड बाय HTST और कॉन्टीन्यूस पाश्चराइजेशन मेथड। अदर गम्स जैसे कि अरेबिक, कैरिया एंड इंडियन गम्स, इनको हम एक्सट्रूट करते हैं फ्रॉम इनोवेशन मेड इन द बार्क ऑफ सर्टन ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रोइंग यूजली इन ट्रॉपिकल कंट्रीज़, मोर यूजफुल फॉर शरबत एंड आइसिस। नेक्स्ट इज़ जो हम स्टेबलाइज़र यूज़ कर रहे हैं वो भी मिक्स में यूज़ करने के लिए पहले हम उसको कुछ फैक्टर्स को देख के सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि अडेप्टेबिलिटी है उसकी, एंड पर्सनल प्रेफरेंस क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्ट, फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिसिटी, इफ़ेक्ट ऑफ स्टेबलाइज़र ऑन द properties of mix, whether or not an aging period is necessary, kind of product being manufactured, and method of processing adopted in the plant, effect on flavor and body and texture characteristic, and the effect on melting and storage properties of ice cream. मेथड क्या है? अब जो स्टेबलाइजर्स हमने पढ़े इनको इनकॉर्पोरेट करने का मिक्स में वो मेथड क्या है? इसमें हम क्या करते हैं, जो आइसक्रीम मिक्स है, मिक्स को पहले हम मिक्स करते हैं, इसको हम पहले 4 से 5 पार्ट ऑफ शुगर में एंड देन ऐड कर देते हैं बिफोर या फिर ड्यूरिंग हीटिंग प्रोसेस में जब हम मिक्स को हीट करते हैं। तो इससे क्या होगा, ये जेंटली ऐड हो जाएगा मिक्स में विदाउट स्पेशल हैंडलिंग से एंड सस्पेंड हो जाएगा कोल्ड वाटर में एंड ऐड देम इन द मिक्स व्हेन मिक्स टेम्परेचर इज़ 71 डिग्री सेल्सियस। जब 71 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए हम तब भी इसको है जो ऐड कर सकते हैं 71 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मिक्स में इन द केस ऑफ सोडियम एल्जिनेट। और अगर हम सोडियम एल्जिनेट को स्टेबलाइज़र के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो हमें हॉपर एंड पंप का अलग से अरेंजमेंट करना होगा। व्हेन द बैच मेथड ऑफ पाश्चराइजेशन इज़ एम्प्लॉयड द स्टेबलाइज़र में बी एडेड इन अ हॉट एंड कोल्ड मिक्स। जब हम पाश्चराइजेशन प्रोसेस करते हैं तो स्टेबलाइज़र को हम हॉट या फिर कोल्ड मिक्स में भी ऐड कर सकते हैं। ये जो मेथड है वो ग्रेटर लैटिट्यूड देता है सिलेक्शन ऑफ स्टेबलाइज़र को इन द HTST पाश्चराइजेशन प्रोसेस। जो स्टेबलाइज़र है वो मस्ट भी हमें उसको हम कोल्ड मिक्स इंग्रेडिएंट्स के साथ ऐड करते हैं एंड डिस्पर्स कर देते हैं लो टेम्परेचर पे स्लोली, ठीक है। एंड जो एल्जिन, ग्वार एंड CMC टाइप ऑफ प्रोडक्ट हैं वो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं प्रोसेसिंग मेथड में। अब हमने स्टेबलाइजर्स के बारे में पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे इमल्सीफायर्स के बारे में। इमल्सीफायर्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो कि हेल्प करता है इमल्शंस को फॉर्म करने में। जो इमल्सीफाइंग वैल्यू होती है मैन्युफैक्चर्स में, द वैल्यू ऑफ इमल्सीफाइंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम लाइज मेनली इन द इम्प्रूव्ड व्हिपिंग क्वालिटी ऑफ द मिक्स, in the production of drier ice cream with a smoother body and texture, in their superior drawing qualities at the freezer, and the possibility of maintaining more precise control over the various manufacturing process. जो emulsifiers हैं उनके 2 kinds होती हैं। तो इसमें कौन कौन से? मोनो और डाइग्लिसराइड जो कि केमिकल रिएक्शन से आते हैं, एंड कुछ नेचुरल अकरिंग इमल्सीफायर्स होते हैं जैसे कि ग्लिसराइड्स एंड पॉलीऑक्सीथाइलिन डेरिवेटिव्स ऑफ हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल्स, ग्लाइकोज एंड ग्लाइकोल एस्टर्स, ठीक है। जो मोनोग्लिसराइड्स होते हैं वो फैट डिस्पर्शन को इम्प्रूव करते हैं एंड जो व्हिपिंग क्वालिटी है उसको भी इफ़ेक्ट करते हैं एंड मेल्टिंग रेट को भी स्टिफ करते हैं। जो पॉली डेरिवेटिव्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ड्राइनेस, स्टिफिनेस एंड इंक्रीज़ करते हैं मेल्टिंग टाइम को। इमल्सीफायर्स हैं जो अवेलेबल हैं लिक्विड फॉर्म में, सॉलिसैलिड फॉर्म में एंड पाउडर फॉर्म में, एंड ये ग्लिसराइड्स में भी प्रेजेंट हैं। एंड जो लेसिथिन है, फैटी एसिड्स हैं, इनको भी हम इमल्सीफायर के तौर पे यूज़ करते हैं। लेसिथिन बहुत अच्छा इमल्सीफायर है। इन जनरल जो इमल्सीफायर है उनका एसिडिटी पे, pH पे, विस्कोसिटी पे एंड आइसक्रीम मिक्स पे बहुत कम इफ़ेक्ट पड़ता है। यूज़ ऑफ इमल्सीफायर, जब हम इमल्सीफायर का यूज़ करते हैं तो जो मेल्टिंग रेट है फिनिश्ड आइसक्रीम का वो डिक्रीज़ हो जाता है। इमल्सीफायर सीम्स टू बी प्रोड्यूस somewhat smaller ice crystals which are more evenly distributed and smaller ice cells that result in the smoother ice cream. Several factors may affect the action of emulsifier. Among these are ingredients of the mix. कुछ factors हैं जो कि action of emulsifier को affect करते हैं जैसे कि ingredients of the mix, procedure of processing, freezing and hardening time and the amount of emulsifier जो हम यूज़ कर रहे हैं। कुछ इसके disadvantages भी हो सकते हैं emulsifier यूज़ करने के, जैसे कि homogenization of the mix is the essential in order to obtain good result and they seems to be favor the development of shrinkage defect. तो जब हम emulsifier ऐड करते हैं तो homogenization है जो मिक्स की करनी essential हो जाती है good result देखने के लिए, तो उससे क्या हो सकता है, shrinkage defect आ सकता है मिक्स में। excessive यूज़ कर लें अगर emulsifier को तो short body and poor texture हो जाता है, melting point भी slow हो जाता है, melting भी slow हो जाती है, curdy meltdown होने लग जाता है finished ice cream का। अब हमने स्टडी किया है इमल्सीफायर्स के बारे में। नेक्स्ट इज़ द फ्लेवर। फ्लेवर्स कौन कौन से आइसक्रीम में हम यूज़ करते हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फ्लेवर्स, अभी हमारा एक पहला ही स्टेप चल रहा है जिसमें हमने सिलेक्शन करनी है इंग्रेडिएंट्स की। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स की हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो इसमें हम इंग्रेडिएंट्स ही पढ़ रहे हैं। सेकेंड, अब हमारा है जी फ्लेवर्स। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर फ्लेवर कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, वनीला, चॉकलेट। ठीक है, तो फर्स्ट हम वनीला को डिस्कस करेंगे जितना का रिक्वायर है हमको। वनीला जो है मोस्ट पॉपुलर है इन थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, जो कि आइसक्रीम फ्लेवर के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिकॉर्ड्स शो दैट 75% ऑफ ऑल आइसक्रीम प्रोड्यूस्ड contain vanilla flavoring. It may be kept in mind that vanilla is often used in combination with other flavor or as background flavor in many ice cream. जो vanilla flavor है वो हमें perennial climbing plant से obtain होता है जिसका name है Vanilla planifolia andrio. ये एक member है orchid family का and ये मैक्सिको में ज़्यादा पाया जाता है। Was introduced in the civilized world by the great Spanish explorer. जो वनीला का प्रिंसिपल क्या है, फ्लेवरिंग मटेरियल इन वनीला। ठीक है, जो फ्लेवरिंग मटेरियल होता है वनीला में उससे फ्लेवर आता है। हाउ एवर देर इज़ नो फ्री वनीलिन्स इन द बीन विच दे आर हार्वेस्टेड एंड द टिपिकली वनीला फ्लेवर इज डिवेल्प्ड ड्यूरिंग बाय फर्मेंटिंग द बीन्स। जो वनीलिन होता है वो प्रिंसिपल फ्लेवरिंग मटेरियल होता है जो कि वनीला में प्रेजेंट होता है। जब हम वनीलिन के बीन्स को हार्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद उनकी फर्मेंटिंग करते हैं बीन्स की, तो तब ये जो वनीला फ्लेवर है वो डेवलप होता है। आर्टिफिशियल एंड सिंथेटिक वनीला इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्लेवर दैन द नेचुरल वन। जो आर्टिफिशियल एंड सिंथेटिक वनीला आता है उनका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है नेचुरल वन से। अब हम पढ़ेंगे चॉकलेट के बारे में। चॉकलेट फ्लेवर है हमारा सेकंड। चॉकलेट एंड जो कोकोआ है वो वनीला के बाद सेकंड रैंक होल्डर है फ्लेवर में। ठीक है, फ्लेवरिंग में ये हमें कोकोआ बीन से मिलता है जो कि फ्रूट है पेरिनियल ट्री थियोब्रोमा कोकोआ से, जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ मैक्सिको, घाना, ब्राज़ील एंड वेनेजुएला, नाइजीरिया, इक्वाडोर, यहाँ पे ग्रो होता है। वेस्ट इंडीज़ में एंड अफ्रीकन गोल्ड कोस्ट में एंड ईस्ट इंडीज़ में। इसका जो ओरिजिन है कोकोआ ट्री का इज़ द डिस्प्यूट लाइक वनीला। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय सिविलाइज्ड वर्ल्ड बाय कॉर्टेज इन 1528. The cocoa tree is a strictly tropical plant thriving only in hot and humid climate. As with vanilla beans, cocoa beans are subjected to fermentation. तो इसमें भी क्या होता है, ये जो प्लांट है उसके उसमें बीन्स लगते हैं, बीन्स की फर्मेंटेशन करवाई जाती है। जब फर्मेंट होते हैं तो एक टिपिकल जो फ्लेवर है इनका चॉकलेट फ्लेवर है जो डेवलप होता है। बिसाइड्स फर्मेंटेशन आर रेदर एक्सपेंसिव प्रोसेसिंग ऑफ बीन्स इज नेसेसरी बिफोर द फ्लेवर कैन बी यूज इन अ फूड प्रोडक्ट। चॉकलेट प्रोडक्ट्स जो कि यूज़ किए जाते हैं फ्लेवरिंग करने के लिए आइसक्रीम, कोकोआ पाउडर जिसमें 20 से 25% कोकोआ फैट प्रेजेंट होती है, चॉकलेट लिक्कर जिसमें 50 से 53% कोकोआ फैट होती है एंड चॉकलेट ब्लेंड्स जिसमें 36 से 40% कोकोआ फैट होती है। ठीक है, एंड चॉकलेट सिरप्स को भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ कलर्स हैं जो वो हार्मलेस होने चाहिए, एडेबल होने चाहिए। परमिटेड फूड कलर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। जनरली जो कलर है एंड फ्लेवर है मैच्ड कलर और फ्लेवर हमें ऐड करने होते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ एग सॉलिड्स। जो फ्रोज़न एंड पाउडर्ड एग योक्स होते हैं उनको भी हम आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर में यूज़ कर सकते हैं। यूजली 0.5% एग योक सॉलिड हम मिक्स में ऐड करते हैं। जो एग योक सॉलिड होता है वो विपिंग क्वालिटी है जो मिक्स की उसको इम्प्रूव करता है। ये स्पेशली डिज़ायरेबल होते हैं मिक्स में इन विच बटर और बटर ऑयल कॉन्स्टिट्यूट इज़ द मेन सोर्स ऑफ फैट। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ फ्रूट्स एंड नट्स। फ्रूट्स को भी आइसक्रीम में हम फ्रेश या फिर फ्रोज़न या फिर कैंड फ्रूट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं वो बेस्ट सोर्स होते हैं फ्लेवर का एंड प्राइस भी इनका कम होता है। थॉरली इसको पहले हम वॉश करेंगे फ्रूट्स को, फिर पील्ड करेंगे, फिर हल करेंगे बिफोर यूज़। फ्रूट्स को हम यूज़ कर सकते हैं होल या फिर स्लाइस्ड या फिर क्रश्ड फॉर्म में। ठीक है, तो इट्स बेटर टू मिक्स फ्रूट्स विद शुगर इन द रेशो 2 to 7 kg fruit to 1 kg sugar and hold them at 5 degrees Celsius for 12 to 24 hours before using 50 to 20% of in the mix. इंडिया में क्या होता है, जो पीसेस हैं चॉप्ड मैंगो के, बनानास में, उनको फ्रीजिंग प्रोसेस के एंड में हम ऐड करते हैं एंड 7 to 8% है जो मिक्स में ऐड करते हैं. तो इसमें हम जो इनएडेबल एंड फाइब्रस पार्ट होते हैं वो एक्सक्लूड करने होते हैं. नेक्स्ट इज नट्स. नट्स जो साउंड होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, फ्री होने चाहिए रेंसिड फ्लेवर से, जो हम आइसक्रीम में यूज़ करने जा रहे हैं. ठीक है, तो उनको ज़्यादा सेफ़ बनाने के लिए, अगर वो सेफ़ नहीं है, सेफ़ बनाने के लिए पहले हम ड्राई हीट करेंगे पैश्चराइज्ड टेम्परेचर पे या फिर उससे ज़्यादा. फिर उनको हम फ्राइड करेंगे, ऑयल में डिप करेंगे, बॉइलिंग करेंगे एंड स्लाइटली सॉल्ट करेंगे शुगर सोल्यूशन में फ्यू सेकंड्स के लिए. फिर हम नट्स को चॉप्ड करेंगे वेरी स्मॉल पीसेस में, फिर 1 से 3% में हम मिक्स में इसको ऐड कर देते हैं. तो अभी हमने सिलेक्शन है जो इंग्रेडिएंट्स की उस स्टेप को है जो पढ़ लिया है. उसके बाद अब हम करेंगे फिगरिंग द मिक्स, ये सेकंड स्टेप है. ठीक है, तो अब हमने प्रॉपरली बैलेंस मिक्स बनाना है. तो उससे क्या होगा, मेंटेन होगी यूनिफॉर्म क्वालिटी जो हमने आइसक्रीम प्रोड्यूस करनी है लीगल स्टैंडर्ड्स के साथ. जो आइसक्रीम मिक्स है उसको हम डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप्स में, सिंपल और कॉम्प्लेक्स. जो सिंपल मिक्स होता है उसमें एटलीस्ट कैलकुलेशंस को ऐसे बनाया जाता है, ईच ऑफ विच सप्लाइज 1 कॉन्स्टिट्यूएंट. Complex mix are more difficult to calculate. They include mixes where are at least 1 constituent is obtained from 2 or more product. Before a mix can be calculated, it is necessary. Mix को calculate करने से पहले नेसेसरी होगा कि हम डिसाइड कर लें अपॉन द कंपोजिशन ऑफ मिक्स टू बी मेड, कितनी कंपोजिशन का मिक्स हमें बनाना है, कितने फ्रूट्स, स्टेबलाइज़र, इमल्सिफायर, जितना भी अभी हमने इंग्रेडिएंट्स पढ़े उनको कितनी अमाउंट में लेना है. एंड डिसाइड ऑन द अमाउंट ऑफ मिक्स टू बी मेड इन द बैच एट वन टाइम and choose from the available ingredients those that will give a desired quality characteristic and composition at the lowest cost. Be familiar with the composition of ingredients जो कि हम use कर रहे हैं. Since जो ice cream है उसमें high percentage होती है fat की, fluid milk से ज़्यादा. One of the mix ingredient must have high in fat. तो जो हमारे मिक्स ingredients हैं उनको फैट है जो उनमें हाई होना चाहिए, ऐसे आपको ingredients यूज़ करने हैं. क्रीम एंड प्लास्टिक क्रीम और बटर को भी हम यूज़ कर सकते हैं इस पर्पस के लिए. तो आइसक्रीम में जो सॉलिड नॉट फैट कंटेंट है वो भी ज़्यादा होना चाहिए मिल्क से. एंड सोर्स ऑफ हाई इन दीज सॉलिड्स सच एज कंडेंस्ड स्किम मिल्क भी डाल सकते हैं, कंडेंस्ड होल मिल्क, या फिर हम पाउडर मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं. जो फ्लूइड मिल्क होता है वो यूजली यूज़ किया जाता है बेसिक इंग्रेडिएंट्स में आइसक्रीम में मिक्स के लिए. तो कैलकुलेशन है जो मिक्स की उससे हमें रिक्वायर्ड वेट पता चल जाता है सारे इंग्रेडिएंट्स का. ठीक है, तो पहले हमने सिलेक्शन कर ली इंग्रेडिएंट्स की, उसके बाद फिगरिंग करनी है मिक्स की कि हमने कितने अमाउंट में और लीगल स्टैंडर्ड्स हैं जो आइसक्रीम के, उनको ध्यान में रख के इंग्रेडिएंट्स की अमाउंट है जो कैलकुलेट करनी है. अब मिक्स को कैलकुलेट करने के बाद मिक्स को बनाना है, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया. ठीक है, मिक्स को फिगरिंग करने के बाद मेकिंग द मिक्स. तो गुड आइसक्रीम बनाने के लिए जो मिल्क प्रोडक्ट हैं अदर और बाकी जो इंग्रेडिएंट हमने सिलेक्ट किए हैं उनको कंबाइंड करना है प्रोड्यूस करने के लिए डिज़ायर्ड बॉडी एंड डेलिकेटली ब्लेंडेड फ्लेवर. ठीक है, जो मिक्सिंग प्रोसेस है उसका जो स्कोप है उसको हम बैच ऑपरेशन में भी कर सकते हैं. वेयर ईच इंग्रेडिएंट, जहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट वे होंगे एंड मेज़र होंगे, फिर उनको हम पैश्चराइजेशन वाट में डालेंगे. अ लार्ज ऑटोमेटिक कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं. वेयर मैनी ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर मैटर्ड इनटू द बैच, कॉन्टीन्यूस मिक्स भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो कि प्रोसीजर क्वाइट वेरिएबल होते हैं. सम सच ऑपरेशंस में एक्चुअली बी मॉडिफिकेशन द बैच ऑपरेशन in order in which ingredients are added in as follow ऑल लिक्विड, जो सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स होंगे, लिक्विड इंग्रेडिएंट्स उनको हम जैकेटेड करेंगे वॉट में, जो कि हमें जो कि पावर जिसमें पावर स्टेरर लगा होगा एंड एजिटेशन होगी एंड हीटेड है जो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स होंगे उनको जैकेटेड कर देंगे वॉट में जिसमें पावर स्टेरर लगा होगा एंड एजिटेशन होगी एंड हीट होना वो स्टार्ट हो जाएंगे एक बार। तो उसके बाद जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि स्किम मिल्क पाउडर, शुगर, स्टेबलाइज़र हो गया, उनको हम ऐड करेंगे जब जो हमारे लिक्विड मटेरियल है वो एजिटेट होता रहेगा एंड उसका टेम्परेचर जब तक 49 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंच जाता तब हम उनको ड्राई दूसरों को ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। प्रॉपर सस्पेंशन टू अवॉइड लम्पीनेस ऑफ द ड्राई इंग्रेडिएंट मे बी ऑब्टेन बाय आइदर मिक्सिंग the dry material thoroughly with part of the sugar before slowly adding it to the liquid by stiffing slowly adding the substance in the liquid। जब पहले तो हमने लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को जैकेटेड वॉट में डाल दिया जहाँ पे वो एजिटेट भी हो रहे हैं, हीट भी हो रहे हैं, तब तक वो जब तक उनका टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस नहीं आ जाता तब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स है जो ऐड कर देंगे। और अगर हम स्टेबलाइज़र के तौर पे जेलेटिन यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम ऐड करेंगे आफ्टर इट इज़ थॉरोली मिक्सड विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ शुगर एंड बिफोर द लिक्विड मटीरियल रीचेज 49 डिग्री सेल्सियस। अल्टरनेटिवली इट कैन बी स्प्रिंकल्ड ऑन द सरफेस एंड ऑफ द कोल्ड लिक्विड एंड अलाउड टू सोक बिफोर द मिक्सचर इज़ हीटेड। ठीक है, and or soaked in water and then mixture heated to the completely dissolve the gelatin which is usually added to the warm 49 degree Celsius। अगर हम सोडियम अल्जिनेट को यूज़ कर रहे हैं एज अ स्टेबलाइज़र तो अब हम इसको हम कब ऐड करेंगे अंटिल जब तक जो लिक्विड मटेरियल का टेम्परेचर 66 डिग्री सेल्सियस तक ना पहुंच जाए तब तक हम इसको ऐड नहीं करेंगे। और ये जो है सोडियम अल्जिनेट इसको सोक नहीं करना है बट हम इसे को स्टिरर अप करेंगे कोल्ड वाटर के साथ, इमिडिएटली हम डंप कर देंगे इनटू द हॉट मिक्स में। ठीक है, जो अगर व्हेन बटर एंड प्लास्टिक क्रीम, फ्रोज़न क्रीम एंड अदर फ्रोज़न प्रोडक्ट हमें यूज़ करने हो तो पहले इनको हम फेयरली कट कर लेंगे स्मॉल पीसेस में ऐड करने से पहले। आफ्टर added after time has been given to allow for complete melting before the pasteurization temperature is reached। तो उसके बाद अब हमने मेकिंग कर ली मिक्स की, इसके बाद पास्चराइजेशन करनी है मिक्स की। ठीक है, तो प्रॉपर पास्चराइजेशन है जो ऑल आइसक्रीम मिक्सेस की वो कंपलसरी होती है क्योंकि उससे क्या होता है जो पैथोजेनिक नॉन डिज़ायरेबल एंड एंजाइम्स होते हैं, डिजीज़ प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पास्चराइजेशन है जो हैज़ कम टू बी कंसीडर्ड एज हाईली डिज़ायरेबल, ये हाईली डिज़ायरेबल होती है बट स्लाइट ये एडिशनल एक्सपेंसेस भी होते हैं इसके। एंड उसके बाद होमोजनाइजेशन करनी होती है पास्चराइजेशन के बाद। जो पास्चराइजेशन है उसके एडवांटेजेस क्या हैं, इट रेंडर, तो मिक्सिंग के बाद पास्चराइजेशन करते हैं जब हम मिक्स की तो उससे क्या होता है उसके एडवांटेजेस बताए गए हैं। जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हैं वो कम्प्लीटली फ्री हो जाते हैं, कम्प्लीटली पैथोजेनिक बैक्टीरिया रिमूव हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं मिक्स में से। एंड जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ईज़िली अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं मिक्स में पास्चराइजेशन के साथ, तो फ्लेवर भी पास्चराइजेशन के बाद इम्प्रूव होता है एंड कीपिंग क्वालिटी एंड शेल्फ लाइफ भी पास्चराइजेशन से इंक्रीज़ होती है एंड इट प्रोड्यूसेस अ मोर यूनिफॉर्म प्रोडक्ट। प्रॉपर पास्चराइजेशन है जो प्रॉपर पास्चराइजेशन में हम रैपिडली हीट करते हैं मिक्स को डिफाइनेड टेम्परेचर पे एंड होल्ड करके रखते हैं उसी टेम्परेचर पे। ठीक है, एंड उसके बाद होल्ड करने के बाद 5 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको कूल कर लेते हैं। पास्चराइजेशन बैच मेथड में भी हो सकती है, तो बैच मेथड में कितना होता है टेम्परेचर 68.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 30 मिनट के लिए, नॉट लेस दैन 30 मिनट। HTST हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड में 80.0 डिग्री सेल्सियस फॉर नॉट लेस दैन 25 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसमें इन द बैच प्रोसेस, जो बैच प्रोसेस होता है उसमें मिक्स है जो उसको हीट किया जाता है एंड हेल्ड किया जाता है बिफोर गोइंग टू होमोजनाइज़र एंड उसके बाद हम कूलर में पास कर देते हैं उसको कूल होने के लिए। ठीक है। अब पैस्चराइजेशन के बाद मिक्स को होमोजनाइज करना होता है, होमोजनाइजेशन द मिक्स। होमोजनाइजेशन है जो आइसक्रीम की वो बहुत ज़्यादा असेंशियल होती है। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि आइसक्रीम को परमानेंट एंड यूनिफॉर्म सस्पेंशन देना, यूनिफॉर्म सस्पेंशन ऑफ द फैट बाय रिड्यूसिंग द फैट ग्लोब्यूल, ठीक है। होमोजनाइजेशन का काम ये होता है जो फैट ग्लोब्यूल्स आइसक्रीम में अब हमारे प्रेजेंट हैं मिक्स में, उनको जो उनका डायमीटर है उसको 2 माइक्रोन तक लेके आना, इतना ज़्यादा स्मॉल कर देना, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस बताए गए हैं। इट प्रिवेंट फैट सेपरेशन ड्यूरिंग एजिंग, ड्यूरिंग एजिंग फैट सेपरेट नहीं होती है इसके कारण, एंड यूनिफॉर्म आइसक्रीम प्रोड्यूस होती है विद द स्मूदर टेक्सचर, एंड व्हिपिंग क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है, एजिंग पीरियड शॉर्ट हो जाता है, एंड इससे क्या होता है जो रिस्क है चर्निंग के दौरान फ्रीज़र में होता है जो, वो भी रिस्क है जो कम हो जाता है, एंड लीड्स टू यूज़ ऑफ स्लाइटली लेस स्टेबलाइजर। तो इसमें मिक्स है जो उसको होमोजनाइज्ड कैसे किया जाता है, पहले तो उसको 63 से 77 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर तक लेके आया जाता है, फिर एट लो टेम्परेचर पे जो होमोजनाइजेशन है वो इंक्रीज़ कर देती है फॉर्मेशन ऑफ क्लम्प्स को, जो कि फैट ग्लोब्यूल्स के क्लम्प्स बनने लगते हैं, एज ऑल्सो द विस्कोसिटी एंड द फ्रीजिंग टाइम इन बैच फ्रीजिंग। जो प्रेशर है होमोजनाइजेशन के वो होमोजनाइजेशन का वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कि डिज़ायर्ड विस्कोसिटी कितनी है, कंपोजिशन ऑफ मिक्स, स्टेबिलिटी ऑफ मिक्स, टेम्परेचर कितना यूज़ करना है, कंस्ट्रक्शन क्या है होमोजनाइजिंग मशीन की, ठीक है, एंड प्रेशर कितना हम यूज़ करते हैं इसमें 2500 से लेके 3000 PSI प्रेशर होता है, एंड ये फर्स्ट स्टेज प्रेशर होता है। सेकेंड स्टेज होमोजनाइजेशन में हम 500 PSI प्रेशर यूज़ करते हैं। तो होमोजनाइजेशन करने के बाद कूलिंग एंड एजिंग करनी होती है मिक्स की। तो कूलिंग करते हैं पहले हम मिक्स की इमीडिएटली होमोजनाइजेशन के बाद 0 से लेके -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ये असेंशियल होता है। इसके बाद उसको हम हेल्ड कर देते हैं, रख देते हैं मिक्स को एजिंग टैंक्स में अंटिल यूज़। कूलर्स ऑफ द सरफेस और कैबिनेट टाइप आर जनरली यूज फॉर दिस पर्पज़। एजिंग ऑफ मिक्स बिफोर फ्रीजिंग हैज़ बीन प्रैक्टिसाइज्ड सिंस द इंसेप्शन ऑफ द आइसक्रीम इंडस्ट्री। एजिंग क्या होती है, होल्डिंग होती है मिक्स की लो टेम्परेचर पे फॉर अ डिफाइनेड टाइम बिफोर फ्रीजिंग। जो एजिंग टेम्परेचर होता है वो 5 डिग्री सेल्सियस से एक्सीड नहीं होना चाहिए। जो एजिंग टाइम होता है वो एवरेज जो कमर्शियल कंडीशंस में 3 to 4 आवर्स होता है, एक्सेप्ट फॉर सम, जैसे कि आल्जीनेट हो गया, सोडियम आल्जीनेट स्टेबलाइजर हो गया, उसके लिए एजिंग टाइम है जो अलग से रिक्वायर होता है। एजिंग से क्या होता है, एजिंग से इम्प्रूव हो जाती है बॉडी एंड टेक्सचर ऑफ आइसक्रीम। एजिंग से जो व्हिपिंग कैपेसिटी है मिक्स की वो भी इंक्रीज़ होती है, एंड ओवररन भी मैक्सिमम हो जाता है, मेल्टिंग रेजिस्टेंट भी इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट इज़ द फ्रीजिंग ऑफ मिक्स। फ्रीजिंग ऑफ मिक्स, जब मिक्स को प्रॉपरली अब हमने एज्ड कर लिया है, ठीक है, तो उसके बाद इसका फ्रीजिंग प्रोसेस करना होता है इमीडिएटली। जो फ्रीजिंग है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है आइसक्रीम को बनाने का, तो इस पे ही डिपेंड करती है आइसक्रीम की क्वालिटी, पैलेटेबिलिटी, यील्ड ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। जो फ्रीजिंग प्रोसेस होता है वो कन्वीनियंस होता है। ये 2 मेथड्स में होता है, 2 पार्ट्स में होता है फ्रीजिंग प्रोसेस। फर्स्ट, जो मिक्स है विद द प्रॉपर अमाउंट ऑफ कलर एंड फ्लेवरिंग मटेरियल जनरली हम ऐड करते हैं फ्रीज़र में, देन क्विकली जो वो फ्रोज़न हो जाता है, वाइल उसको हम एजिटेट करते रहते हैं ताकि जो इनकॉर्पोरेशन होती रहे एयर की, तो उससे क्या होगा, कंट्रोल फॉर्मेशन होगी स्मॉल आइस क्रिस्टल्स की। सो नेसेसरी टू गिव, तो जो कि हमें ज़रूरत होती है स्मूथनेस ऑफ बॉडी एंड टेक्सचर के लिए आइसक्रीम की, पैलेटेबिलिटी एंड सेटिस्फैक्ट्री ओवररन इन द फिनिश्ड आइसक्रीम। तो सेकेंड पार्ट क्या होता है, सेकेंड पार्ट में जब हम आइसक्रीम को पार्शली फ्रोज कर लेते हैं सर्टेन कंसिस्टेंसी तक, तो उसको ड्रॉन किया जाता है फ्रीज़र में से एंड उसको पैक कर दिया जाता है, एंड क्विकली ट्रांसफ़र कर देते हैं हम उसको कोल्ड स्टोरेज रूम्स में, वेयर द फ्रीजिंग एंड हार्डनिंग प्रोसेस है जो कंप्लीट हो जाता है विदाउट एजिटेशन। नेक्स्ट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रीज़र जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। बैच फ्रीज़र जो कि हॉरिजेंटल एंड डायरेक्ट एक्सपेंशन होता है, कॉन्टीन्यूस फ्रीज़र जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट एक्सपेंशन होता है, इसमें फिरॉन और अमोनिया यूज़ करते हैं, एंड सोडियम सॉफ्ट सर्व फ्रीज़र हम इसमें यूज़ करते हैं। जो फ्रीजिंग टाइम है, फ्रीजिंग टाइम को कौन कौन से फैक्टर से इन्फ्लुएंस करते हैं? इसमें 2 टाइप के फैक्टर्स आते हैं, मैकेनिकल एंड करैक्टर ऑफ मिक्स। मैकेनिकल में कि जो हमारा फ्रीज़र है उसकी टाइप क्या है, कंडीशन क्या है फ्रीज़र की, वॉल्स की एंड ब्लेड्स की, स्पीड क्या है डैशर की, एंड टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट का अच्छा है या नहीं है, मतलब कि ऑप्टिमम है या नहीं, वेलोसिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट जो कि पास हो रही है अराउंड फ्रीजिंग चैम्बर, ओवर एंड डिज़ायर्ड एंड टेम्परेचर एट विच आइसक्रीम हैज़ बीन ड्रॉन एंड रेट एट विच फ्रीज़र इज़ अनलोडिंग। नेक्स्ट इज़ ए करैक्टर ऑफ मिक्स, जो मिक्स है उसकी कंपोजिशन क्या है उस पर भी डिपेंड करता है फ्रीजिंग टाइम, एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या है मिक्स का, एसिडिटी कंटेंट कितना है इंग्रेडिएंट्स में, काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट जो हमने यूज़ किए हैं, जिनमें कितना कितना फैट प्रेजेंट है, मेथड जिसके साथ हमने मिक्स को बनाया है, प्रोसेस किया है, एंड काइंड एंड अमाउंट ऑफ फ्लेवरिंग मटीरियल जो हमने उसमें ऐड किया है। नेक्स्ट इज़ कौन कौन से चेंजेस आते हैं फ्रीजिंग के प्रोसेस के दौरान। फ्रीजिंग प्रोसेस का फंक्शन क्या होता है? फ्रीज़ कर देना पोर्शन ऑफ वाटर जो कि मिक्स में प्रेजेंट है एंड इनकॉर्पोरेट करना एयर को मिक्स में, ठीक है। जो टेम्परेचर है मिक्स का विद विच इज़ पुट इनटू द फ्रीज़र ड्रॉप्स वेरी रैपिडली वाइल द सेंसिबल हीट इज़ बीइंग रिमूव्ड एंड बिफोर एनी आइस क्रिस्टल आर फॉर्म्ड, दिस प्रोसेस टेक्स लेस देन अ मिनट और 2, मीनवाइल द रैपिड एजिटेशन रिड्यूसेस द विस्कोसिटी by partially destroying the gel structure and by breaking up the fat globule clusters. The gel structure may restore itself partially during the hardening process in the hardening room. Also the rapid agitation hasten the incorporation of air into the mix. जब freezing point reach हो जाता है तो जो liquid water है वो ice crystals में बदलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमें मिक्स के ऊपर अपीयर होता है। जो ये आइस क्रिस्टल्स होते हैं वो प्रैक्टिकली प्योर वाटर होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, एंड शुगर एज वेल एज अदर सॉल्यूट्स बिकम मोर कंसनट्रेटेड इन द रिमेनिंग लिक्विड वाटर, इंक्रीजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ दीज सॉल्यूट्स स्लाइटली डिप्रेसेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड पोर्शन सो दैट द टेम्परेचर मस्ट बी अलाउड लोअर्ड बिफोर एनी more ice crystal will form. Thus in freezing ice cream the freezing point is continuously being lowered by the formation of ice cream while the temperature drops, more ice cream are formed increasing the concentration of sugar and other solutes and remaining liquid water until the concentration is so great that further freezing will not occur. अब हम पढ़ेंगे जो बैच फ्रीजिंग है उसका प्रोसेस कैसे होता है, फ्रीजिंग प्रोसीजर क्या है बैच फ्रीज़र का। तो पहले तो हम प्रेपरेशन करते हैं फ्रीज़र की। जो फ्रीज़र पार्ट्स होते हैं उनको इंस्पेक्ट किया जाता है, क्लीन किया जाता है, ड्राई किया जाता है। फिर इंस्ट्रक्शंस के दौरान अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस मैन्युफैक्चरर है जो वो उसको असेंबल्ड करता है, एंड जो ऑपरेटर हैंड्स होते हैं वो भी क्लीन होने चाहिए। तो फ्रीज़र को असेंबल्ड करने के बाद उसे सैनिटाइज्ड किया जाता है, इधर बाय रनिंग हॉट वाटर से जिसका टेम्परेचर 82 डिग्री सेल्सियस होगा, या फिर कोल्ड वाटर रिंस किया जाता है कोल्ड सोल्यूशन से, या फिर केमिकली सैनिटाइज्ड किया जाता है सैनिटाइज एजेंट से जिसमें हम क्लोरीन सोल्यूशन यूज़ करते हैं। आफ्टर द एडिशन ऑफ हॉट वाटर जो कोल्ड वाटर है या फिर क्लोरीन सोल्यूशन जो डैशर है वो रिवॉल्व करता है फ्यू टाइम्स के लिए, एंड जो पर्टिकुलर लिक्विड है उसको ड्रेन आउट कर देता है। तो इसके बाद हम हमारे मिक्स को ऐड करते हैं, मिक्स है जो ऐड करते हैं हम डिज़ायर्ड टेम्परेचर पे जो कि 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, एंड जब मिक्स का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस होगा जब वो फ्रीज़र में एंटर करेगा, कलर और फ्लेवर अकम्युलेट हो जाएंगे, एक्यूरेटली मेज़र कर लेंगे। जो कलर एंड फ्लेवर हैं उनको एक्यूरेटली मेज़र करके हम मिक्स में इस टाइम पे पोर कर देंगे, ठीक है। तो जो टोटल वॉल्यूम होगा मिक्स का, फ्लेवर का, कलर का, वो शुड बी अबाउट हाफ द टोटल कैपेसिटी ऑफ द फ्रीजिंग चैम्बर, ठीक है। हाफ फ्रीजिंग चैम्बर है जो फिल होना चाहिए। जो फ्लेवर एंड कलर है उसको हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एसिड, फ्रूट एंड नट्स उनको भी हम ऐड कर सकते हैं आफ्टर सम आइस क्रिस्टल्स जब फॉर्म हो जाते हैं। जो फ्रीज़र है उसको हम ऑपरेट करेंगे यूनिफॉर्मली स्पीड पे, रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर जो रिक्वायर है उस पर, ठीक है। तो उसके बाद फ्रीजिंग एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ एयर होती है। जो मिक्स है वो शुड वो शुड नाउ रन करता है इनटू द फ्रीज़र एंड डैशर है जो वो भी स्टार्ट हो जाता है एंड रेफ्रिजरेंट है जो टर्न हो जाता है फ्रीजिंग चैम्बर में। जो सीक्वेंस है मस्ट बी प्रिजर्व टू अवॉइड डैमेज टू द मशीन टू प्रिवेंट स्क्रैपर ब्लेड फ्रॉम द अकॉर्डिंग टू ब्लंट एंड वेयरिंग आउट रैपिडली। द डैशर मस्ट नेवर बी ऑपरेटेड व्हेन देयर इज़ नो मिक्स इन द फ्रीज़र। डैशर को तब ऑपरेट नहीं करना है जब जब हमारे पास मिक्स नहीं है फ्रीज़र में। नाइदर शुड बी रेफ्रिजरेंट बी टर्नड और अनलेस द डैशर इज़ इन मोशन। द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन एंड दीज प्रिकॉशंस अप्लाई टू ऑल फ्रीज़र्स। ठीक है, तो उसके बाद हमें ड्राइंग करनी है आइसक्रीम की। जब आइसक्रीम को हम ड्रॉन करते हैं फ्रीज़र से तो सफिशेंटली वो स्टिफ होनी चाहिए, रिबन होनी चाहिए एंड ऑलमोस्ट होल्ड कर सके अपनी शेप को ऐसी होनी चाहिए एंड येट सॉफ्ट इनफ टू सेटल एंड लूज इट्स शेप विद इन अ मिनट और टू। जो कंटेनर है पैकेज का इनटू विच द आइसक्रीम हमें फिल करनी है वो भी कूल्ड होना चाहिए सफिशेंटली टू प्रिवेंट द आइसक्रीम मेल्टिंग। जो मेल्टिंग है उसकी वजह से कोर्स आइसी टेक्सचर है जो बन जाता है अराउंड द एजेस ऑफ पैकेज सो एंड आल्सो लूज ऑफ ओवररन। फॉर्मेशन ऑफ एयर पॉकेट्स within the container should also be avoided. The freezer should be emptied rapidly to prevent wide fluctuation in the overrun in the package. ये हमने पढ़ा जो बैच फ्रीज़र होता है फ्रीजिंग प्रोसीजर में, उसका प्रोसीजर पढ़ा था। तो अभी हम डिटेल में देखेंगे कॉन्टीन्यूस फ्रीज़र कैसे वर्क करता है फ्रीज़र करने के लिए आइसक्रीम को। जो कॉन्टीन्यूस फ्रीज़र होता है वो 2 टाइप्स के आ रहे हैं मार्केट में। एक तो वो जिनमें पंप लगे होते हैं जस्ट बिहाइंड द फ्रीज़र बैरल एंड वन पंप पुल करता है मिक्स को फ्रॉम द सप्लाई टैंक से एंड दूसरा पंप है जो दूसरा पंप होता है वो ऑपरेट होता है एक अप्रॉक्सीमेटली स्पीड पे ट्वाइस एज ग्रेट एट दैट द फर्स्ट पंप। जो फर्स्ट पंप की स्पीड होगी उससे ट्वाइस स्पीड में सेकेंड पंप है जो ऑपरेट होगा एंड दिस हैज़ अ इफेक्ट ऑफ क्रिएटिंग पार्शियल वैक्यूम बिटवीन 2 पंप। तो इससे क्या होगा, पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है दोनों पंप्स में। द वॉल्व इन द पाइपिंग बिटवीन द पंप अलाउ द एयर इज़ टू सक्ड इन। द अमाउंट ऑफ एयर जो कि इनकॉर्पोरेट होती है उसको भी एक्यूरेटली रेगुलेट करते हैं इस सिस्टम में एंड जो मिक्स है एंड एयर है उसको हम पंप करते हैं फ्रीजिंग बैरल में सेकंड पंप से। एज द मिक्स फ्रीज, जब हमारा मिक्स फ्रीज हो जाता है तो सेमी फ्रोजन आइसक्रीम को फोर्स किया जाता है फोर्स आउट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ मशीन एंड द सेकंड टाइप जो ऑपरेटर है वो वेरी सिमिलर फैशन में होता है एज द फर्स्ट। However, here the 2 pumps are at the front. One pump pushes the mix into the rear end of the freezer and the other help to pull out the frozen ice cream from the freezer. There is a separate air pump that forces air directly into the freezer barrel. The second kind of continuous freezer is just as versatile as the first one. कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि कॉन्टीन्यूस फ्रीज़र के एडवांटेजेस हैं। इसमें हमें अगर कॉन्टीन्यूस फ्रीज़र से काम करना है तो इसमें हमें स्टेबलाइज़र की कम ज़रूरत पड़ती है। इसमें हमें जो एजिंग टाइम दिया था आइसक्रीम को उसकी भी कम ज़रूरत पड़ती है, शॉर्ट टाइम में हो जाता है। लेस फ्लेवरिंग मटेरियल इसमें नीडेड होता है एंड स्मूदर आइसक्रीम है जो हमें इसमें से ऑब्टेन होती है। टेंडेंसी टुवर्ड डेवलपमेंट ऑफ सैंडीनेस डिक्रीज़ हो जाती है एंड इसमें यील्ड भी ज़्यादा मिलती है। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं जैसे कि हमें इसकी ग्रेटर केयर करनी पड़ती है जब हम हैंडल करते हैं मशीन के पार्ट्स को एंड ऑपरेटर एंड मशीन्स मस्ट हैव स्पेशल एक्सपीरियंस होना चाहिए इसको रन करने के लिए एंड एक्सेसिव ओवररन को प्रिवेंट करने में डिफ़िकल्टी होती है। ग्रेटर टेंडेंसी होती है इसकी आइसक्रीम को श्रिंक करने की इन वॉल्यूम आफ्टर हार्डनिंग एंड इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। इसके बाद फ्रीजिंग करने के बाद पैकेजिंग करते हैं आइसक्रीम की। जब आइसक्रीम को ड्रॉन कर लिया जाता है फ्रीज़र से उसको कलेक्ट किया जाता है कंटेनर्स में डिज़ायर्ड शेप और साइज़ में जिससे जो कि कन्वीनिएंट हैंडलिंग हो। ड्यूरिंग द हार्डनिंग प्रोसेस, ठीक है। तो जो इसकी चीफ रिक्वायरमेंट है पैकेजिंग ऑफ आइसक्रीम की वो क्या होती है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंटामिनेशन होना चाहिए पैकेज, अट्रैक्टिव अपीयरेंस होनी चाहिए उसकी, ईज़ ऑफ ओपनिंग होनी चाहिए, रीक्लोजर होना चाहिए, ईज़ ऑफ डिस्पोजल होना चाहिए, एंड मॉइस्चर लॉस भी ना हो, मॉइस्चर पैकेज में से बाहर भी ना जाए और पैकेज में से अंदर भी ना आए, एंड उससे क्या होगा हमारी आइसक्रीम मेल्ट नहीं होगी। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन इज़ ऑल्सो डिज़ायरेबल, ठीक है। तो इसमें मल्टी सर्विस एंड सिंगल सर्विस टाइप के 2 टाइप के पैकेज है जो यूज़ किए जाते हैं। आइसक्रीम को पैक करने के बाद हम हार्डनिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं आइसक्रीम की। जब आइसक्रीम को हमने ड्राउन कर लिया फ्रीज़र से, उसके बाद उसको हमने कंटेनर में रखा है, ठीक है, उसको पैकेज कर लिया, फिर उसको हम हार्डनिंग रूम में लेके जाएंगे जहाँ पे सेमी फ्लूइड कंसिस्टेंसी नॉट इन स्टिफ इनफ टू होल्ड इट्स शेप। जो फ्रीजिंग प्रोसेस होता है वो एक कॉन्टीन्यूड होता है विदाउट एजिटेशन ड्यूरिंग हार्डनिंग अंटिल द टेम्परेचर ऑफ आइसक्रीम रीचिंग -18 degrees Celsius as here as in the freezer. Quick hardening is desirable since slow hardening flavor large ice crystals and coarseness. Most operators allow a hardening time of 12 hours. The factor affecting तो जो हार्डनिंग का टेम्परेचर होता है वो होता है -18 डिग्री सेल्सियस एंड टाइम होता है 12 आवर्स। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं हार्डनिंग के प्रोसीजर को, वो क्या है, साइज़ एंड शेप ऑफ आइसक्रीम पैकेज, स्पीड ऑफ एयर सर्कुलेशन, टेम्परेचर ऑफ कूलिंग, सेक्शन ऑफ हार्डनिंग रूम, टेम्परेचर ऑफ आइसक्रीम जो कि हमने फ्रीज़र में से जब ड्रॉन की थी तब टेम्परेचर कितना था, कंपोजिशन ऑफ मिक्स एंड परसेंटेज ऑफ ओवरन इन द आइसक्रीम बीइंग हार्डन। हार्डनिंग रूम का टेम्परेचर बताया गया है, हार्डनिंग टनल्स का टेम्परेचर बताया गया है एंड हार्डनिंग कैबिनेट्स का टेम्परेचर बताया गया है। जब हम आइसक्रीम हार्डन्ड होगी, आफ्टर द आइसक्रीम इज़ हार्डन्ड, उसको इमीडिएटली हम मार्केटेड कर देते हैं या फिर उसको हम स्टोर कर लेते हैं वीक और 2 वीक के लिए या फिर ज़्यादा। जो ऑपरेशन है स्टोरेज रूम का वो सेम होता है हार्डनिंग रूम से, ठीक है। तो जो टेम्परेचर होता है स्टोरेज रूम का वो -23 डिग्री सेल्सियस से होता है टू -18 डिग्री सेल्सियस। इस पे जो पैकेज होने चाहिए वो वेरी क्लोज अच्छे से बंद होने चाहिए टू डिले चेंजेस इन आइसक्रीम टेम्परेचर। कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि टू बी ऑब्जर्व्ड इन द ऑपरेशन ऑफ हार्डनिंग स्टोरेज रूम, प्रोवाइड फैसिलिटेट फॉर कॉलिंग फॉर एड, शुड बी ऑपरेटर एक्सीडेंटली बी ट्रैप्ड इनसाइड एंड कीप बोथ an X and A sledgehammer in a definite place just inside the door, avoid fluctuation in temperature. तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जब आइसक्रीम को मार्केट किया जाता है तो जो मैन्युफैक्चरर है वो ट्रांसपोर्ट करता है रिटेलर के पास अंडर रेफ्रिजरेशन एट द सेम टेम्परेचर एट विच मेंटेन द रिटेलर्स कैबिनेट। वेरियस मीन्स ऑफ रेफ्रिजरेटेड है जो डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल्स हैं, जैसे कि ड्राई आइस रेफ्रिजरेटेड हम यूज़ करते हैं, ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन। तो जो ड्राई आइस होती है इसमें वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है विद फ्रीजिंग पॉइंट -78 डिग्री सेल्सियस। इसको यूज़ करते हैं हम एक्सटेंसिवली फॉर पैकेज करने के लिए डिलीवरीज को, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने डिटेल में आइसक्रीम की मैन्युफैक्चरिंग को पढ़ा, ठीक है, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूँगी। जिसमें पहले हमने इंग्रेडिएंट्स को सिलेक्ट किया, फिर उन्हें मेज़र किया, कैलकुलेट किया, फिगरिंग की, ठीक है, उनकी। उसके बाद उनका मिक्स बनाया, मिक्स बनाने के बाद पेस्चराइज किया, फिर होमोजनाइज़ किया, फिर कूलिंग करने के बाद एजिंग की, मिक्स की एजिंग करने के बाद फ्रीजिंग की, मिक्स की। उसके बाद उनको पैकेजेस में पैक कर दिया। आइसक्रीम्स को पैक करने के बाद हार्डनिंग करेंगे, हार्डनिंग करने के बाद स्टोर भी कर सकते हैं एंड सीधा उसको सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। आइसक्रीम के अगले जजिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ आइसक्रीम टॉपिक के साथ एंड डिफेक्ट्स इन आइसक्रीम, देयर कॉजेज़ एंड प्रिवेंशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल बेनिफिशियल लगे तो आपसे इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ओके।